माता प्रणाम जी। आशीर्वाद बेटा। बहुत संघर्ष लाइफ है आपका बेटा, शुरू से अब तक आप संघर्ष ही करते चले आ रहे हैं, हाँ जी और स्वभाव में अब तीव्रता आ रही है, क्रोध उत्पन्न ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही। और कुछ कम मेहनत में अधिक आर्जन पाने के लिए आपने बहुत कुछ गंवा दिया अपने जीवन में, क्योंकि हाँ जी वो लालच बुरी बलाएं कहते हैं ना, हाँ तो जिसने जो बोला वही मान लिया। हाँ भाई ठीक है, मैं माता जी विश्वास करने वाला आदमी हूँ, सभी में विश्वास करता हूँ। लोगों ने आपको लूटा बहुत है, बहुत ज्यादा ही है और ये झूठे काम के चक्कर में आप बहुत पड़े हैं, जो फायदा ही नहीं हुआ आपको, केवल जी। लूटना हुआ है आपका, ये सत्य है या नहीं, है हाँ जी ना? और जी बुरी आदतों का शिकार भी बनना पड़ा है, अपने मन से चले हैं आप, और आज बड़ी बहुत कठिन परिस्थिति में, मतलब दुख के घेरे में, संकट के घेरे में घिर गए हैं आप। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि अब तो आप गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी भी स्थिर नहीं चल रही है, आपसे सोच कहीं रहे हैं, गाड़ियां चल कहीं रही हैं आपकी, हाँ जी और ईश्वर के ऊपर से भी अब विश्वास टूट रहा है आपका, बताओ क्या आ गई। परेशान बहुत ज्यादा हो गए है? इसीलिए परेशानी बहुत ज्यादा हो गई टूट रहा जी। है, ईश्वर से भरोसा सुनवाई नहीं हो रही तो फिर क्या करें। नहीं, हमारा ईश्वर ही साथ देगा, और ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो ये संसार वाले साथ देते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए, माता रानी को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के भरोसे पे अटल रहना चाहिए बेटा। आज दुख है तो कल सुख आएगा ही, ये जल्दी जल्दी सब टल जाते हैं। और रही बात ये है कि आपके जीवन में पितृ दोष भी है, मूल भी है आपको, मूल का उपाय करवाया था माता जी बचपन में ही। हाँ, ज्येष्ठा के मूल है, ज्येष्ठा के बहुत बड़े वाले मूल होते हैं, और ये बड़े संघर्षी मूल होते हैं, और ये जैसे ही इनके मूल की शांति होती है और कालसर्प की शांति, तो भाग्य में फिर स्पीड से प्रोग्रेस होता है, और 40 के बाद में फिर प्रोग्रेस होना चालू होता है स्पीड से, और आपके भाग्य उदय का समय है, आप हारना मत, हिम्मत माता रानी पे और भोलेनाथ पे भरोसा रखना, आपके मंगल मंगल कार्य होने लगेंगे, आपके जीवन में जितना कष्ट आपने भोगा है, ये उधारी भी खंडन करना है ना, हमने किसी का ले लिया है, दे दिया है, कर्जा हो गया तो वो तो देना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम ईश्वर के सानिध्य में है, सद्गुरु संतों के सानिध्य में है, तो उनकी कृपा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वो ऐसा मार्ग बनाते हैं कि सारे कर्जा आपके खंड जाते हैं, मैं ऐसा तो है। माता जी मैंने साधनाएं बहुत की हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। बस ये है आशीर्वाद देवताओं का मिला लेकिन पता नहीं आशीर्वाद भी कहाँ गुम हो गया उन लोगों का जो है इतनी बड़ी नहीं दुनिया नहीं सबके। आशीर्वाद कोई हाथ में थोड़ी, वस्तु थोड़ी कि हाथ में दिखेगा, आशीर्वाद तो हमारे को हमारे जीवन में अनुभव करना होता है, कि सुख और दुख का कैसा हम भोग काल भोग रहे हैं, कितना सुख हमें प्राप्त हो रहा है, कितना दुख हमें प्राप्त हो रहा है, कौन से आशीर्वाद का फलीभूत हो रहा है जीवन में कि हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, और कौन से श्राप का भोग काल हम भोग रहे हैं, जो हमारे जीवन में दुख के बादल मंडरा रहे हैं, तो ये अनुभव करना पड़ता है बेटा, ईश्वर कृपा की अनुभूति करना पड़ता है। 3-4 साल से माता बगलामुखी का कर रहा हूँ मैं क्यों। अब तो उनका भी मेरे को दर्शन भी है लेकिन पता नहीं क्या हो गया कोई सुनता ही नहीं। मतलब बगला देव मुखी की आप 4 साल से आराधना कर रहे हैं, तो भैया तुम एक एक बूंद भर रहे हो, तो एक एक बूंद घड़े को भरने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, पर सुनवाई चार नहीं हो रही साल से माता जो आप जी को। भक्ति कर रहे हैं माँ बगलामुखी देवी की, किसके सानिध्य में कर रहे हैं, बस ऐसे ही नाम लेता रहता हूँ। मन से, तो हाँ जी जब आप मन से माँ बगलामुखी का, चाहे आप 1 महीने में एक बार भी नाम लिए होंगे, तो उस नाम का, उस जपने का पुण्य प्रभाव है, कि माता रानी ने ही आपको अपने धाम में बुला लिया, अपने धाम में आपके मन को, आपके उनके श्री चरणों में आपके मन को झुका लिया, और बुलवा भी लेंगी और भाग्य उदय भी कर देंगी वो, है ना?
सतगुरु सर को थोड़ा होते सा हैं, मार्ग दिखाते हैं, कर्म हमको ही करना होता है बेटा। अब तो परेशान होकर थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा उनको, मगर सुनती ही नहीं, पता नहीं क्यों सबकी पुकार सुनती है, मेरी भी नहीं सुन रही है। मैंने नहीं ऐसा नहीं क्या कर दिया? क्या है, आपके जीवन में एक तो पितरों का दोष लगा हुआ है, और पितृ दोष, जब पितृ ऋण से हम मुक्त जब तक नहीं होते हैं, तो ईश्वर की कृपा साथ देती है, ईश्वर की कृपा साथ दे रही है, तब तो संपर्क जुड़ा है। माता आप आराधना जी करते रहिए, गुरु दीक्षा हो गई आपकी नहीं हुई नहीं जी, मैं बस तो आप तो माता बगला मुखी की ही करना चाह रहा हूँ, इन्हीं की सेवा बस बहुत कर ली, और की तो जो अब तो सिर्फ इन्हीं का जो भी क्या कुछ है करना चाह कि रहा हूँ इन्हीं का आपके ही। शत्रु भी बहुत बन गए हैं, हाँ जी जी और सबसे बड़ा वाला शत्रु तो घर में ही रहता है अपने, जो हृदय से प्रिय है, और वो शत्रु भाव रखता है। हमारे घर में ही शत्रु है जो हमारे साथ शत्रु भाव रखता है, उनकी बुद्धि कैसे मित्रता में परिवर्तित हो? जीना भी उन्हीं के साथ है, रहना उन्हीं के साथ है, और उनकी शत्रु भाव को मित्रता में कैसे परिवर्तित करना है, यही हमको माँ भगवती से प्राप्त करना है, यही गुण। माता जी मैं तो दीक्षा लेना चाह रहा था, मेरा मैंने उद्देश्य दीक्षा का ही है बस। माँ बगलामुखी दीक्षा जल्दी से नहीं ली हाँ जाती, उनका पहले मनन चिंतन अच्छे से जान लो, समझ लो कि माँ बगलामुखी देवी से जुड़ने से हमको सच्ची में लाभ होगा क्या।